Hello students, this video I'm making for you that how you lose your marks in the examination. Actually, in practice, when the students does the questions in the examination, then everybody says ki nahi ye question to mera sahi hua hai. ये सब क्वेश्चन का आंसर जो भी सॉल्यूशन लिखे हैं सब सही लिखे हैं, बट डू यू नो दैट द अबाउट 50% टू 60% स्टूडेंट्स डू नॉट नो दैट द सॉल्यूशन दोज द सॉल्यूशन विच दे आर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट. और वो जानते हैं कि उनका सोल्यूशन करेक्ट है, वो सोच रहे हैं कि सोल्यूशन करेक्ट है, ऐसा नहीं होता है. उसके कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को हम बताना चाहते हैं, और वो अगर ध्यान से पूरे वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. और अक्सर कर यही गलतियां होती है जिनके कारण मार्क्स कम हो जाते हैं एग्जामिनेशन में. एंड दीज जो मार्क्स है, दीज मार्क्स आर नोन एज द हिडन मार्क्स, छुपे हुए नंबर, जो कि ना तो तुम्हें पता होता है कि गलतियां हो रही हैं लेकिन पता नहीं है. गलतियां होती रहती है बट यू नो दैट यू आर डूइंग करेक्ट. तो दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई यू गेट द लेस मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ द 90% मीन्स 95-99 मार्क्स नहीं पा रहे हैं, 60s में पा रहे हैं, 70s में पा रहे हैं. तो उसका वन ऑफ द रीजन ये पॉइंट्स है जिसको कि तुम लोग फ्रीक्वेंटली करते रहते हो एग्जामिनेशन में. तो सबसे पहले तो जो पॉइंट्स है उनको हम बता रहे हैं, उनको एक एक करके. और यू सी द वीडियो एंड ट्राई टू रिजॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन. मतलब एग्जामिनेशन में ना करें ये सब प्रॉब्लम, ये सब मिस्टेक्स ना करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे और समझ में भी आएंगे. तो माय हेडिंग इज, क्योंकि ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि हाउ टू गेट द गुड मार्क्स, लेकिन हम बना रहे हैं हाउ यू लूज योर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, कैसे तुम लोग करते हो. और जिसको हम टीचर्स लोग जानते हैं, एग्जामिनर भी है साथ में, तो जानते भी हैं कि कैसे तुम लोग क्या क्या गलतियां कर सकते हो एग्जामिनेशन. सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आता है. Today's nowadays the trends are that in every board examination, that is the 15 minutes to for reading the question paper. 15 minutes. ये चाहे board examination हो चाहे वो home examination हो, in every board. तो you must read exactly the question paper, क्योंकि उसी 15 minutes में अगर हम question को उस तरीके से नहीं पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो 15 minutes देते ही है पढ़ने के लिए, और उसमें तुम लोग क्या करते हो लिखना शुरू कर देते हो उसमें कि ये हमें आगे आइए हमें आगे, तो ये चीज गलत है. मतलब अगर 15 minutes दिया है question paper पढ़ने के लिए, तो you have to spend your time to read the question paper. Not to see here and there. इधर उधर देखने से नहीं कि नहीं उनको आ रहा है उनको आ रहा है, इस तरह से वो दे वो तुम्हें क्या आ रहा है तुम्हें क्या आ रहा है, अगल बगल वालों से पूछना ये सब बड़ी. इसी में सबसे पहले तो कुछ परसेंट मार्क्स तो इसी में चले जाते हैं. सेकेंड पॉइंट है क्वेश्चन पेपर तो पढ़ा, और उसके बाद अगर बाई चांस क्वेश्चन तुम्हें आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना. ओवर कॉन्फिडेंट तो करता ही ना हो, बिकॉज एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी क्वेश्चन यू थिंक दैट इट इज टफ नॉट इजी. अगर इजी सोचा तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आ गया तुम्हारे अंदर, और फिर उसको करने में कहीं ना कहीं जरूर मिस्टेक हो जाएगी, चाहे वो जहां भी हो जिस स्टेप पे हो. तो ओवर कॉन्फिडेंस ही एक कारण और भी है जिसके हम मार्क्स लूज कर देते हैं. फिर जो थर्ड पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन अगर हमको आ गया, हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन को करना, तो बहुत जल्दी होती है कि आंसर को देना, लेकिन साथ में ये भूल जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसको नहीं लिखा, और उसको यदि लिखा तो पार्ट नहीं लिखा. यू शुड राइट द क्वेश्चन नंबर विद पार्ट. नहीं लिखोगे तो
कहीं ना कहीं कुछ एग्जामिनर के मन में आता है कि ये तो बहुत ही मतलब केयरलेसनेस, इट शोज योर केयरलेसनेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर और विद पार्ट कौन सा पार्ट है तो वो लिखना मस्ट है, नहीं तो फिर मार्क्स कटेंगे। हिडन मार्क्स होते हैं, कट भी सकते हैं नहीं भी कट सकते हैं, कटने की संभावना प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट, जैसे कि अगर हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसके बाद में कभी कभी ये होता है कि जल्दी जल्दी पढ़ आ रहा है क्वेश्चन और उसमें कहीं एक वर्ड गलत पढ़ गए, जब कहीं एक वर्ड गलत पढ़ गए तो क्या हो गया कि क्वेश्चन को दिक्कत ये हो रही है कि क्वेश्चन पेपर एक वर्ड गलत होने से भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आएगा। और जब क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं आएगा तो वो फिर लिखना मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो करेक्ट क्वेश्चन को पढ़ना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की, वो नहीं कर पाते हैं, उसी में नहीं आते हैं नंबर। उसके बाद में अगर हम लिख भी लिए हैं क्वेश्चन, पढ़ भी लिए हैं सही से, कर रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन उसका आंसर जो प्रॉपरली पूछा जा रहा है, तो व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, कि राइट द आंसर मींस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका मतलब या राइट द आंसर इन दिस फॉर्म, तो यू डोंट राइट द आंसर इन द करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म मतलब कि जिस तरह से पूछा जाए, जो भी चीज पूछी जाए उसे लिखना है, ना कि हमें आधे में छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स क्वेश्चन में कभी भी चैप्टर मैथमेटिक्स में स्पेशली हम बता रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स दो अननोन मैट्रिक्स है इज इक्वल टू थर्ड वन अननोन मैट्रिक्स एंड इट इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड दिस वन, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, लेकिन पूछ रहा है मैट्रिक्स तो हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर वो गलत मतलब वन मार्क्स कट जाएंगे। एंड मतलब ये इसमें कोई मतलब ही नहीं है, हिडन मार्क्स होते हैं, तुमने सोचा तुमने एक्स और वाई निकाल लिया सही है बट इट इज नॉट करेक्ट। फिर जैसे यूनिट नहीं लिखते हम, करेक्ट फॉर्म भी लिख दिए लेकिन यूनिट नहीं लिखा, जल्दबाजी में यूनिट ज्यादातर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं यूनिट लिखना, वन मार्क्स स्पेशली फॉर द यूनिट्स होते हैं और वो नहीं लिखते, एक एक नंबर करके कितने नंबर कट जाते हैं। अगर 30 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन में यूनिट लिखने हो और भूलते चले गए तो कम से कम अगर 15 क्वेश्चन में भूल गए तो 15 नंबर तो ऐसे ही चलेंगे, कोई मतलब वो सर हो सकता है हाफ मार्क्स काटे जाए, हो सकता है ना भी काटे जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कटने मार्क्स कम होने की ज्यादा रहती है यूनिट ना लिखने से। तो सीधे मतलब नंबर हमारे कम होते जा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। और उसके बाद में कभी कभी ये होता है बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट तो हमें आ रहा है उसके बाद हम भूल गए, नहीं समझ में आया, उसके बाद उसमें लिख दिया कि अभी रेस्ट पार्ट एट द लास्ट, ये उसके बाद अब एग्जाम्पल ढूंढ रहा है कहां पे है भाई कहां पे, आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 3 आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 7, ये सब तो करना बिल्कुल ही बेकार है कि हाफ पार्ट एक तरफ करें और फिर हाफ पार्ट कहीं 3-4 पेज के बाद पढ़े, दैट इज ऑल्सो शोज योर केयरलेसनेस और स्टडी कम हुई है जिसके कारण जाओ नहीं तो काट दो उसको। तो ये फिर एग्जाम्पल क्या करके काट देता है पूरा क्वेश्चन तुम्हारा भी, जबकि तुम्हारी लापरवाही से तो लग तो रहा है तुम्हें कि नहीं नहीं हमने सही किया है और नंबर भी मिले थे बट पूरे नंबर मिलते नहीं। फिर उसके बाद में जैसे ये है फॉर्मूले नहीं लिखते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फॉर्मूले नहीं लिखते हैं, मैथमेटिक्स हो गया फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया इन सब में फॉर्मूले नहीं लिखते, फॉर्मूले लिखना मस्ट है, अगर फॉर्मूले नहीं लिखेंगे तो नंबर अपने आप कटते चले जाएंगे धीरे धीरे करके। अब 30 क्वेश्चंस में अगर हम फॉर्मूले कुछ भी क्वेश्चन में ना लिखे तो 7-8 नंबर 10 मार्क्स तो ऐसे ही कट गए तो बेकार हो गया ना। तो धीरे धीरे करके ये नंबर कटते चले जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी कॉपीज हम देखते हैं कि जैसे रफ की तरह कर रहे हैं, रफ की तरह सोल्यूशन रफ की तरह बिल्कुल उसी में मतलब उसी जगह पे एक जगह पे है उसी जगह पे कर रहे हैं फिर धीरे से उसको काटा फिर उसी जगह सही कर रहे हैं उसी, तो ये भी एक रॉन्ग वे है
इसको भी मतलब इससे भी नंबर कटते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं जिसमें कि पता भी ना चले, जैसे स्पेशली यूनिट ना लिखना, फॉर्मूले ना लिखना, करेक्ट फॉर्म में आंसर ना लिखना, हाफ पार्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन का एक तरफ करना, हाफ पार्ट कई पेज आफ्टर सम पेजेस करना, तो ये सब जो हमने बताया इसमें सब में मार्क्स कटते हैं। और सब मार्क्स कट करके तुम्हारे मार्क्स कम से कम 20-25 मार्क्स कर जाते हैं, 20% 25% मार्क्स कर जाए पता भी नहीं चलेगा। और आगे के बाहर तो हम ये कह रहे हैं हमें 95 मार्क्स का पेपर किया और मिल रहे हैं 60 मार्क्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई है तुमसे, ठीक एग्जामिनर से नहीं है, एग्जामिनर तो चेक कर रहा है सही, बट यू आर डूइंग द मिस्टेक एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये मिस्टेक्स है और ये मिस्टेक्स तुम लोग खुद ही करते हो, मतलब हाउ यू लूज योर मार्क्स, अपने आप ही मार्क्स को कम कर देते हैं। तो दिस इज दीज आर द पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड दैट यू डू नॉट टू डू इन द एग्जामिनेशन, और अच्छे से करें पेपर। आगे और वीडियो बनाएंगे हाउ टू गेट योर गेट द गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन इन द 2 months इफ यू स्टडी विल। So keep on watching and subscribe also. Thank you.